गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आज है दिनांक 12 अगस्त वर्ष 2021, 10th H2 का ये लेक्चर चल रहा है। 10th H2 क्लास के लिए मैथ्स 1 हम कर रहे थे, पांचवा चैप्टर संभाव्यता चालू था, प्रश्न संग्रह 5.3 के तीन सवाल हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। ये तीन सवाल हो चुका है। इन तीन सवालों में किसी को कोई डाउट है क्या? यदि डाउट, हाँ तो डाउट नहीं है तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आइए देखते हैं चौथा सवाल। अंकों की पुनरावृत्ति ना करते हुए 0, 1, 2, 3, 4, 5 की सहायता से दो अंकों वाली संख्याएं तैयार करनी। दो अंकों वाली संख्या यानी हमको दो अंकों वाली संख्याएं तैयार करनी है जिसमें इकाई अंक हो और दहाई अंक। तो कैसे करेंगे? देखो कौन कौन से अंक दिए हैं, 0 से लेके 5 तक। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 अंक दिए हैं। अब आपको दो अंकों वाली संख्या बनानी है। तो दो अंकों वाली संख्या में कहाँ से शुरू होता है? 10। आप 0 से नहीं शुरू कर सकते। अगर आप 0 लिखेंगे, 0, 1 का मतलब 1 ही हो गया, ये एक ही अंक वाली संख्या हो गई, इसलिए यहाँ पर 0 नहीं आ सकता है। तो कैसे करेंगे? 1 से चालू करेंगे। तो कैसे करेंगे? एक बार 1 के साथ 0 लिखो तो 10 मिल जाएगा, 1 के साथ 2 लिखो तो 12 मिल जाएगा, 1 के साथ 3 लिखो 13, 1 के साथ 4 लिखो 14, 1 के साथ 5 लिखो 15। तो इस तरह 1 से अगर शुरू करना है तो इस तरह इतनी दो संख्याएँ मिलेंगी। 2 से शुरू करना है तो 20, 21, 23, 24, 25। 3 से शुरू करना है तो बोलो, अगर 3 से हम 3 और का यूज करके बनाना है तो कैसे बनाएंगे? 3 के साथ एक, हाँ एक बार 0 लेंगे 3 के साथ तो 3 0 हो जाएगा, फिर 3 1, 3 2, फिर अच्छा इसमें ध्यान रखिए 3 3 या 1 1 2 2 3 3 या 4 4 5 5 जैसी संख्या नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि यहाँ लिखा है कि अंकों की पुनरावृत्ति नहीं करना है। अगर यहाँ पर लिखा होता कि अंकों की पुनरावृत्ति भी कर सकते हैं तो हम लोग 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 भी ले सकते। ये बात ध्यान से समझ लो अच्छे से बेटा। तो ऐसे ही आपको यहाँ पे बनाना है। तो हमको यहाँ इन अंकों का उपयोग करना है लेकिन पुनरावृत्ति नहीं करनी है और दो अंकों वाली संख्या तैयार करनी है। तो S क्या बन जाएगा? S के अंदर क्या क्या आएगा? पहली संख्या 10 आ जाएगी, फिर 12 आ जाएगी, फिर 13, फिर 14, फिर 15। फिर अगर ये जैसे हमने यहाँ 1 से शुरू किया, आप 2 से शुरू करें तो 2 के साथ 0 तो 20 हो जाएगा, फिर 2 के साथ 1 लिख दो तो 21 हो जाएगा, 2 के साथ 2 22 नहीं लिख सकते क्योंकि अंकों की पुनरावृत्ति नहीं करनी है, तो 23, फिर 24, फिर 25, 26 नहीं ले सकते क्योंकि 6 अंक नहीं दिया है, छठवां अंक नहीं दिया है, 26 नहीं लिख सकते। तो ये 2 का हो गया। अब ऐसे 3, जैसे 1 का हुआ फिर 2 से हो गया, आप 3 से लिख सकते हैं, 30, 31, 32, 33 नहीं ले सकते, पुनरावृत्ति नहीं संभव है, 34, 35। तो 5 तक ही अंक दिया है इसलिए 35 तक ही आएगा। अब 4 का यूज़ करके करना है तो 40, 41, 42, 43, 44 नहीं ले सकते, 45। फिर 5 का यूज़ करके ले लो तो 50, 51, 52, 53, 54, 55 नहीं ले सकते क्योंकि अंकों की पुनरावृत्ति नहीं करनी। यहाँ पे ब्रैकेट बंद हो जाएगा। अब एन ऑफ एस काउंट करके देख लो कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 पच्चीस है। एक बार आप लोग भी देख लो, कोई मुझसे गलती ना हो गई हो गिनने में। एन ऑफ एस 25 हो गया।
ओके, तो एन ऑफ एस 25 हो गया। अब देखते हैं घटना ए क्या दिया है। घटना ए के लिए शर्त है कि वे सम संख्या होनी चाहिए, तो घटना ए में सम संख्या होनी चाहिए। तो सम संख्या किसको बोलते हैं, जिसके भी जिसका जो इकाई अंक है वो 0, 2, 4 या 8 हो, उसको ही सम संख्या कहते हैं। यानी इकाई अंक जो है वो 2 से कटना चाहिए, 2 के पहाड़े में आना चाहिए। तो यहाँ सम संख्या कौन सी हो जाएगी, 10, क्योंकि इकाई अंक 0 है, 12 इकाई अंक 2 है तो इसलिए ये भी सम संख्या हो गई, 14, फिर 20, हाँ फिर बोलो आप लोग 24, फिर 32, फिर 34, फिर 40, फिर 42, फिर 42, यहाँ ऊपर देखो 50 क्यों नहीं ले रहे हो, 0 भी चलता है ना, 50, हाँ 30 भी ले सकते हैं, 30 हमने नहीं लिया क्या, हाँ तो गलत किया फिर, 30 भी लेना पड़ेगा, तो 24 के बाद में 30 भी आएगा, 30, 50, 52, 54। तो यहाँ क्या बोला था, ए की शर्त यह है कि सम संख्या होनी चाहिए, तो एस के अंदर जितनी सम संख्या थी वो सब लिख दिया, तो ये घटना ए मिल गया। अब मुझे बताओ एन ऑफ ए कितना है यहाँ पर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13, तो एन ऑफ ए 13 हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि बी क्या है, घटना बी के लिए क्या शर्त दी गई। घटना बी के लिए शर्त इस प्रकार है कि संख्या 3 से विभाजित होनी चाहिए। 3 से कौन सी संख्या विभाजित होती है बेटा, आपको ट्रिक बता रहा हूँ। देखो अंकों का योगफल अगर 3 से विभाजित हो रहा है तो वो संख्या भी 3 से विभाजित होती है। जैसे यहाँ देखो 1 + 0, 1 आता है, लेकिन 1 जो है 3 के पहाड़ी में नहीं है, 3 से नहीं कटता है, तो इसलिए 10 भी 3 से नहीं कटेगा। 12, देखो 1 और 2, 3 होता है, योगफल 3 आ रहा है, हाँ तो योगफल 3 आ रहा है, वो 3 से कटता है, इसलिए 12 भी 3 से कटेगा। तो सिर्फ आपको ऐसा टोटल करके देखना है, 1 और 3, 4, 3 के पहाड़े में नहीं आता, 1 और 4, 5, 3 के पहाड़े में नहीं आता, 1 और 5, 6, यस 1 और 5 में 6 आ गया जो 3, 21, यस, फिर 24, फिर 30, 30, 3 + 0 करेंगे तो 3 आएगा ना, 30, फोर्टी टू, 4 और 2, 6 होता है, फिर 45, 4 और 5, 9 होता है ना, तो 9 3 से कटता है, तो 45 भी 3 से कटेगा। तो आप मुझे बताओ एन ऑफ बी कितना हो गया। हाँ 51 भी कटेगा, करेक्ट, सॉरी सॉरी, 1, 5 और 1, 6, 5 और 4, 54 भी है, 5 और 4, 6 होता है, तो 51 और 54 ये भी आएगा, ठीक है। तो कितना हो गया ये, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो एन ऑफ बी हो गया 9। अब हम लोग देख लेते हैं घटना सी क्या है, घटना सी के लिए क्या शर्त दी गई है। घटना सी के लिए शर्त ये है कि संख्या 50 से बड़ी होनी चाहिए। तो यहाँ देखो कौन सी संख्या 50 से बड़ी है, क्या, हाँ 51 से 54, तो 51, 52, 53, 54। अब मुझे बताओ एन ऑफ सी कितना है, 1, 2, 3, 4, तो ये हो गया 4। तो ये हो गया आपका चौथा सवाल भी खत्म, बड़ा आसान चैप्टर है ना बेटा, इसलिए ये चैप्टर सब लोग अच्छे से करो बेटा, कैसे भी इसके कोई मार्क्स मिस नहीं होने चाहिए। अब शुरू करते हैं पांचवा सवाल।
पांचवें सवाल में क्या दिया है? तीन पुरुष तथा दो स्त्रियों में से दो लोगों की संख्या। स्कूल एग्जाम की बात कर रहा हूं, ज्यादातर संभावना तो ऑनलाइन की ही है। तीन पुरुष तथा दो स्त्रियां। देखो, जब भी ये पुरुष और स्त्री वाला या लड़के लड़की वाला सवाल हो या गेंद वाले, लाल गेंद हरी गेंद ऐसा सवाल हो, तो हमको सबसे पहले मानना पड़ता है। तीन पुरुष हम लोग मान लेंगे, माना तीन पुरुष M1 M2 तथा M3 है, दो स्त्रियां W1 W2 W3 है, सॉरी W2 है। पुरुष और स्त्री वाला सवाल या लड़के लड़की वाला सवाल या गेंद वाला सवाल हो तो हमको मानना पड़ता है। तो कितने पुरुष हैं? तीन पुरुष हैं, तो हम लोग मान लेंगे, माना तीन पुरुष क्रमशः। अब पुरुष को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मैन। तो इसलिए हम लोग पहले पुरुष को M1 मान लेंगे, दूसरे पुरुष को M2 मान लेंगे तथा तीसरे पुरुष को M3 मान लेंगे। तो माना तीन पुरुष क्रमशः M1 M2 तथा M3 है तथा दो स्त्रियां, स्त्रियां स्त्री को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वोमेन। हाँ, तो इसलिए वुमेन W से स्टार्ट होता है, तो दो स्त्रियां क्रमशः W1 तथा W2 है। अब हमें क्या लिखना है? S लिखना है, नमूना अवकाश यानी सैंपल स्पेस लिखना है। तो घटना क्या दी है? घटना सॉरी यादृच्छिक प्रयोग क्या दिया है? कि दो लोगों की समिति बनाना है, दो लोगों की पर्यावरण समिति बनाना है। तो दो लोगों की समिति कैसे बनेगी? देखो, पहले अगर हमको सिर्फ पुरुषों की समिति चाहिए, दो ही लोग लेना है, सिर्फ दो पुरुष ही लेना है, तो कैसे ले सकते हैं? एक बार M1 M2 की ले सकते हैं, M1 M3 भी ले सकते हैं, M2 M3 भी ले सकते हैं। और कोई जोड़ी पॉसिबल है क्या? सिर्फ अगर हमको मैन पुरुष पुरुष ही लेना है तो बोलो बेटा। नो no. आप इसको आप पूछ एक जन पूछ रहे थे सर M1 M2 लिखा, तो M2 M1 भी ले सकते हैं क्या? आप बताओ, ऐसा ले सकते हैं क्या? वो तो वही दो लोग हुए ना, कोई नया थोड़ी समिति बनी। अरे मैं बोलूं राम और श्याम आप दोनों यहाँ आओ तो भी वही दोनों रहेंगे आएंगे, श्याम और राम बोलूं तो भी वही दोनों आएंगे, तो नया थोड़ी कुछ हुआ। तो इसलिए इसको उल्टा नहीं लिख सकते। तो अगर सिर्फ पुरुष दो लोगों की समिति बनाना है, अगर सिर्फ पुरुष चाहिए तो ऐसे होगा, अगर एक पुरुष और एक स्त्री होना लेना है तो कैसे हो सकता है? M1 W1 या फिर M1 W2 M1 W2 भी हो सकता है, या फिर M2 W1 या फिर M2 W2 या फिर M3 W1 या फिर M3 W2। तो एक पुरुष और एक स्त्री की समिति बनानी है तो ऐसे यही संभावना है, इसी में से कोई एक बनेगा। आप लोग कुछ बोलते नहीं तो मुझे लगता है कि आप समझे ही नहीं। मैंने पहले क्या लिखा? सिर्फ पुरुष की समिति बनानी है तो 1 2 3 यही संभावना है, अगर दो समिति में से एक पुरुष और एक स्त्री चाहिए तो यही संभावना है। तो मैंने यहाँ लिखा M1 W1 से लेके M3 W3 तक। फिर अगर सिर्फ स्त्री, अगर समिति में खाली स्त्री ही चाहिए तो W1 W2 आएगा, और तो कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है, इतना ही हो सकता है। तो यहाँ N of S कितना आ रहा है?
इसको एक गिनना है, दो लोग दो दो ये दो लोगों के ग्रुप को एक गिनेंगे हम लोग, एक तो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, एन ऑफ एस टेन आ गया। अब देखते हैं घटना ए क्या दिया है, घटना ए क्या दिया है, ए के लिए क्या शर्त है। ए के लिए शर्त है कि उसमें कम से कम एक स्त्री होनी चाहिए। कम से कम एक स्त्री का मतलब क्या, बोलो बेटा, समझाया है मैंने आपको? कम से कम एक स्त्री का मतलब एक से कम स्त्री नहीं चलेगी, या तो एक स्त्री हो या तो एक से ज्यादा हो, या तो एक स्त्री हो या तो एक से ज्यादा हो। कम से कम एक स्त्री मतलब एक या एक से ज्यादा स्त्री। तो पहले एक स्त्री जहां जहां है वो लिख लेते हैं, बाद में एक से ज्यादा वाली लिख लेंगे। देखो यहां पर एक स्त्री है, M1W2, M2W1, M2W2, M3W1, M3W3। तो ये सब में देखो एक है, एक स्त्री है, सब में एक वुमेन है। तो कम से कम एक का मतलब एक, या तो एक स्त्री हो या तो एक से ज्यादा हो। तो किसमें एक से ज्यादा स्त्रियां हैं, एक से ज्यादा स्त्री कौन सा है इसमें? यस, W1 W2, इसमें दो स्त्रियां हैं। तो आप मुझे बताओ एन ऑफ ए कितना हो गया, एक दो तीन चार पाँच छः सात, ये हो गया सेवन। अब हम लोग देखेंगे कि घटना बी के लिए क्या शर्त दिया है, घटना बी के लिए क्या शर्त है। तो घटना बी के लिए शर्त है कि समिति में एक पुरुष और एक स्त्री होना चाहिए, एक पुरुष और एक स्त्री समाविष्ट हो, एक पुरुष हो और एक स्त्री हो, मतलब एक मेल और एक मैन और एक वोमेन। तो यही सब आएगा, एम और जहां जहां एम और डब्ल्यू हो वही लेना पड़ेगा। तो पहला तो M1W1, फिर M1W2, फिर M2W1, फिर M2W2, फिर M3W1, M3W3। ये सब में एक स्त्री और एक पुरुष है, शर्त यही थी ना बी की, एक पुरुष और एक स्त्री होना चाहिए। तो खाली यही सारे घटक ऐसे हैं, M1, MW, 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 ये खाली यहाँ से लेके यहाँ तक ही एक पुरुष और एक स्त्री है, तो वो सब हमने लिख दिया। अब बताओ एन ऑफ बी कितना आएगा, एक दो तीन चार पाँच छः आ जाएगा, तो एन ऑफ बी आ गया छः। अब हम लोग चलेंगे सी पर। सी के लिए क्या शर्त है, समिति में स्त्री समाविष्ट नहीं है, मतलब स्त्री होना ही नहीं चाहिए, डब्लू होना ही नहीं चाहिए। तो इसमें देखो ये तीन ही घटक ऐसे हैं जिसमें डब्लू नहीं है, स्त्री नहीं है। तो क्या आ जाएगा, M1 M2 M1 M3 M2 M3। तो एन ऑफ सी कितना हो गया यहाँ पर, एक दो तीन हो गया। इसी के साथ पांचवा सवाल भी यहाँ पर समाप्त होता है। समझ में आया हो तो आगे बढ़ें, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं छठवें सवाल पे, और ये 5.3 का आखिरी सवाल है। एक सिक्का और एक पासा उछाला गया है, हाँ। तो छठवां सवाल क्या है, एक सिक्का और एक पासा उछाला गया है। तो सिक्के में क्या आता है, थोड़ा रफ मैं आपको सिखा दूं। सिक्का, एक सिक्का उछाला गया और एक पासा उछाला गया है। तो आप सब जानते हो सिक्के में क्या मिलता है हमको, सिक्का में सिक्के से क्या मिलता है हमको, या तो हेड मिलता है या तो टेल मिलता है, या तो हेड मिलेगा या तो टेल मिलेगा। पासे में क्या मिलता है, एक पासे, यस,
एक पासा अगर उछाला गया तो वह एक से लेकर छः तक कोई भी नंबर आ सकता है। अब यहाँ दोनों उछाला गया है तो हम लोग क्या करेंगे, एक बार H के साथ सारे नंबर लिख देंगे, H1, H2, H3, H4, H5, H6, फिर एक बार T के साथ सारे नंबर लिख देंगे, T1, T2, T3, T4, T5, T6, तो सारे S मिल जाएंगे, H1, अगर आप कॉमा डाल रहे हो तो ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, फिर H2, फिर H3, फिर H4, H5 और लास्ट में H6, सॉरी यहाँ ब्रैकेट बंद नहीं होगा, ये H के साथ लिखा है, इसे T के साथ लिखना है, तो T1, T2, T3, T4, T5, लास्ट में T6, यहाँ पर ये पूरा ब्रैकेट बंद हो जाएगा, धनुष वाला कोष्ठक बंद। अब मुझे बताओ कि n ऑफ s कितना मिला है यहाँ पर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, n ऑफ s 12 मिल गया है। कोई डाउट किसी को बेटा यहाँ? नो, सिर्फ एक ही बच्चे की आवाज आती है, बाकी लोग एकदम गुमसुम बैठे हुए हैं। 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12 लोग जुड़े हैं लेकिन एक ही बच्चा बार बार बोलता है बस। क्या नाम है बेटा आपका? यादव आशीष। सिर्फ आशीष ही बार बार जवाब देते हैं, बाकी लोग चुप क्यों हैं बेटा? आप लोग एक्टिव रहोगे तो आपको भी मजा आएगा पढ़ने में। इनएक्टिव रहोगे तो समझ में नहीं आएगा और आपको आनंद भी नहीं आएगा पढ़ाई में। चलो ए शुरू करते हैं। घटना ए क्या दिया है? घटना ए के लिए शर्त है कि चित्त यानी कि एच और विषम संख्या मिलने चाहिए, एच और विषम। तो ए के अंदर क्या चाहिए? चित्त चाहिए और विषम चाहिए, एच होना चाहिए और विषम। तो विषम वन, एक विषम है ना, जो दो से नहीं कटता वो विषम, जो दो से नहीं कटता वो विषम। तो एच के साथ एक वन आ गया, फिर एच के साथ थ्री आ जाएगा, एच के साथ फाइव आ जाएगा, इतना ही मिलेगा। तो एन ऑफ ए कितना मिल गया यहाँ? 1, 2, 3 मिल गया, यस। अब हम लोग देखेंगे शर्त बी क्या है। शर्त बी क्या है कि H या T प्राप्त हो और सम संख्या प्राप्त हो, मतलब H भी चलेगा T भी चलेगा और लेकिन उसके साथ सम संख्या होनी चाहिए, समझे? तो एक बार H और सम संख्या लिख देंगे, फिर T और सम संख्या लिख देंगे। तो H के साथ सम संख्या लिखेंगे तो H2, फिर H4 और H6 ही आएगा, फिर टी और सम संख्या लिखेंगे तो T2, T4 और T6 आएगा, ब्रैकेट बंद। तो अब मुझे बताओ n ऑफ b कितना हो गया? n ऑफ b हो गया 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, n ऑफ b हो गया 6। अब देखते हैं घटना c के लिए क्या शर्त दी गई। घटना सी की शर्त क्या है? यहाँ पर दिया है कि पासे पर 7 से बड़ी संख्या हो और सिक्के पर पट हो। पट का मतलब क्या होता है? यस, पट का मतलब टेल होता है, टी से दर्शाते हैं। और मैंने आपको एक हिंट दिया था, एक ट्रिक दिया था कि पट में ट आता है इसलिए उसको टी लिखना। तो यहाँ शर्त क्या है? पासे में 7 से बड़ी संख्या हो और सिक्के पर पट हो। तो मेरे को बताओ क्या पासे पर 7 से बड़ी संख्या मिल सकती है क्या? नहीं मिल सकती। तो सी के अंदर क्या कोई घटक आप लिख सकते हो? नहीं, पासे पर 7 से बड़ी संख्या हो ही नहीं सकती, इसलिए सी के अंदर कोई भी घटक नहीं आएगा। तो मुझे बताओ फिर एन ऑफ
एन ऑफ सी जीरो लिखेंगे, इसके अंदर कोई भी घटक नहीं है, तो जीरो घटक हो गए। तो यहां पर आपका 5.3 समाप्त होता है। किसी भी सवाल में कोई भी डाउट हो, कोई बात ना समझ में आई हो तो आप बोलिए बेटा, फिर से मैं समझाऊंगा आपको। किसी को कोई डाउट है? नहीं डाउट है तो ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। चौथा सवाल ठीक है, चौथे सवाल बता रहा हूं मैं। यहां पर कुछ अंक दिए हैं और हमें दो अंकों वाली संख्या तैयार करनी है, लेकिन अंकों की पुनरावृत्ति नहीं करनी है। तो देखो, दो अंकों वाली संख्या कभी भी जीरो से स्टार्ट नहीं होती, याद रखना। तो इसलिए जीरो से हम लोग शुरू नहीं करेंगे। कहां से शुरू करेंगे? वन से। तो वन से कौन कौन सी संख्या बन सकती है? 10, 12, 13, 14, 15। फिर ऐसे 2 से बनाना है तो 20, 21, 23, 24, 25। 3 से बनाना है तो 30, 31, 32, 34, 35। 4 से बनाना है तो 40, 41, 42, 43, 45। 5 से बनाना है तो 50, 51, 52, 53, 54। किसने पूछा था ये सवाल बेटा? मोनी, समझ में आया बेटा? हाँ, अब आप इसमें हम लोग 11, 22, 33, 44, 55 नहीं ले सकते, क्योंकि अंकों की पुनरावृत्ति यहाँ पर नहीं करने की के लिए कहा गया है। फिर उसके बाद घटना ए क्या दिया है? सम संख्या होनी चाहिए। तो सम संख्या किसको बोलते हैं? जिसका भी इकाई अंक में 0, 2 या 4 होगा वो सब संख्या लिख देना ए के अंदर। फिर बी क्या दिया है? 3 से विभाजित होने वाली संख्या। तो B के अंदर कौन सी संख्या आएगी? 3 से विभाजित। कैसे पता चलता है? अंकों का योगफल करके देखना। अंकों का योगफल अगर 3 से विभाजित हो रहा है तो वो संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। फिर C के अंदर 50 से बड़ी संख्या लेनी है तो 51, 52, 53, 54। मोनी, समझा बेटा? ठीक है, तो ये लेक्चर यहीं पे स्टॉप करना होगा बेटा। कितने लोग ने लेक्चर अटेंड किया है देख लेते हैं। 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12 लोगों ने। नहीं बेटा, 12 दिख रहा है मुझे तो। नहीं, मैं खुद को नहीं गिन रहा हूँ, खुद को नहीं गिन रहा हूँ। सबसे पहले आशीष यादव दिख रहे हैं मुझे, लास्ट में सुरेखा माली दिख रही है। बारह लोग हैं। आपका होमवर्क क्या होगा बेटा? अपना 5.3 कंप्लीट हो चुका है ना, तो इसी 5.3 को आप लोग पूरा का पूरा 5.3 कंप्लीट अपने मन से खुद से सवाल करिए, हल करिए और देखिए आपको आ रहा है कि नहीं, अटक रहे हो कि नहीं, कि बिना अटके कर रहे हो, स्लो कर रहे हो या फास्ट कर रहे हो। तो बार बार करना तब तक करो जब तक आपकी स्पीड बढ़ ना जाए। जैसे अटक अटक के कर रहे हो या स्लो कर रहे हो तो वापस से करो, समझे किस तरह से अभ्यास करना है। तो चलो अब एक एक करके लेफ्ट हो जाओ, यहीं पर मैं लेक्चर स्टॉप कर रहा हूँ। ओके, बाय बेटा, बाय।